हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मून क्लासेस में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक की 120 प्लस करंट अफेयर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइडेड है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको आगे की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहे तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल इंडिया एआई 2023 कॉन्फ्रेंस? इसका आंसर होगा दोस्तों इंडिया। यह किसके द्वारा किया जाएगा? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के खिलाड़ी, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक शामिल होंगे और यह अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? विच स्टेट चोकुआ राइस हैज गॉट द जीआई टैग? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। चेकुआ चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। चावल की इस किस्म की खेती विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में की जाती है। असम में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर यह चावल पाया जाता है। वो क्षेत्र हैं जैसे तिनसुकिया, धेमाजी और डिम्बूगढ़, इन क्षेत्र में यह चावल पाया जाता है। डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है, उनका संबंध किस देश से है? डैनियल मैकगाहे हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले एन इंटरनेशनल मैच, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा। कनाडा की डैनियल मैकगाहे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेगी। पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए आईसीसी की पात्रता को पूरा करने के बाद कनाडा की महिला टीम में चुना गया। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम यानी कि हॉकी म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज मेजर ध्यानचंद म्यूजियम हॉकी म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर होगा दोस्तों झांसी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया है। हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? इसका आंसर होगा दोस्तों जया वर्मा सिन्हा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जया वर्मा सिन्हा अनिल कुमार लाहोटी की जगह लेंगी। किस राज्य में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए जाएंगे? इन विच स्टेट विल पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन बी सेटअप? इसका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने के प्रयास शुरू किए हैं। हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? हु हैज वॉन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 टाइटल? इसका आंसर होगा दोस्तों मनोज बुबना। N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के सीईओ मनोज बुबना को प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे उत्केला और भुवनेश्वर के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। उत्केला हवाई अड्डे का स्वामित्व उड़ीसा सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सशक्त बनाना है जो अपने घर की मुखिया है। केंद्र सरकार ने कब से कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है? हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट? इसका सही आंसर है
18 से 22 सितंबर। सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें 5 बैठकें होंगी। छठवां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? When will the 6th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ बी सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर है 1 से 30 सितंबर तक। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 से 30 सितंबर तक छठवां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा और इसकी थीम याद रखिएगा दोस्तों, सुपोषित भारत, साक्षर भारत व सशक्त भारत है। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन द ज्यूरिख डायमंड लीग? इसका सही आंसर है सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने यूजीन यूएसए में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया है? इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। किस भारतीय को रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है आर रवि कन्नन। भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन ने 2023 रेमन मैक्सिस पुरस्कार जीता है। उन्हें स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से कहां चालू की गई है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में पहले सबसे बड़ी स्वदेशी 700 मेगावाट विद्युत काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? Who has become the principal director general of press information bureau? इसका सही आंसर है दोस्तों मनीष देसाई। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष देसाई को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। भारत के नए युद्धपोत महेंद्र गिरी को कहां लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों मुंबई। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित युद्धपोत महेंद्र गिरी को 1 सितंबर 2023 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सनमुगन चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों कोयंबटूर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयंबटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सनमुगन चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण कोयंबटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स SIMA में हुआ। इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सूर्य। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा और 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 पर यह श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 के रॉकेट का नाम है PSLV-C57 का XL वर्जन। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट का ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। L1 पृथ्वी से सूर्य की दिशा में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? Who has been elected the 9th president of Singapore? इसका सही आंसर है दोस्तों थर्मल सन मुगरत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the 51st International Emmy Directorate Award? इसका सही आंसर है दोस्तों एकता कपूर। एकता कपूर अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड गाला साहित्यिक पुरस्कार में सम्मान मिलेगा जिसका आयोजन 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क शहर में किया जाएगा। उनको यह अवार्ड इंडियन सर्विस इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई? इसका सही आंसर है दोस्तों आर माधवन, अभिनेता और फिल्म निर्माता आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले फिल्म निर्माता शेखर कपूर इसके अध्यक्ष थे। हाल ही में एफटीआईआई अध्यक्ष बनने से पहले माधवन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहां शुरू हुआ है? वेयर हैज द फर्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 स्टार्टेड? इसका सही आंसर दोस्तों लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 1 सितंबर 2023 से शुरू हो गया है। इसका आयोजन लेह में स्पुतिक के ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता में 4 टीम भाग ले रही है। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांट सेफ्स किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? ग्रांट सेफ्स हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका सही आंसर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रांट सेफ्स को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। पूर्व रक्षा मंत्री बेन बैलेंस के व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र देने के बाद श्री सेफ्स की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू स्टार्ट आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन? इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार नामांकन को एकीकृत करके जन्म पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट द इंटरनेशनल एयरोस्पेस कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन ग्वालियर में आयोजित किया गया है। भारत में 2035 तक 42.5 करोड़ हवाई यात्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द नीलांचल फ्लाईओवर इनॉग्रेटेड? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2.63 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर नीलांचल फ्लाईओवर का अनावरण किया है। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the Durant Cup 2023 title? इसका सही आंसर है मोहन बगान। Durant Cup 2023 का खिताब मोहन बगान ने जीता है। इसका आयोजन 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 को किया गया था। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 कहां शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। 4 सितंबर को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडरों के बीच चर्चा की जाएगी। दुनिया के पहले एआई द्वारा संचालित एंटी डॉन प्रणाली इंद्रजाल को किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। दुनिया के पहले एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को भारत ने लॉन्च किया है। द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन अवॉर्डेड द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 बाय द्रौपदी मुर्मू? इसका सही आंसर है दोस्तों 75। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री सबल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सबल योजना हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। योजना का शुभारंभ 4 सितंबर 2023 को किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादौन में मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षा और आजीविका योजना का उद्घाटन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? इसका सही आंसर है दोस्तों राजेश नंबियार। कौन बने हैं? राजेश नंबियार नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और एमडी राजेश नंबियार को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। राजेश नंबियार पूर्व चेयरपर्सन अनंत माहेश्वरी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में शुरू हुआ है? द 48th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज बिगन इन विच कंट्री? इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा। 48वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई। हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ मिलकर एटीएम का नाम हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम रखा है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? व्हाट इज द रेटिंग गिवन टू शक्तिकांत दास इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023? इसका सही आंसर है दोस्तों A+। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ग्लोबल लेवल पर टॉप सेंट्रल बैंकर के रूप में रैंक किया है। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। हाल ही में काठमांडू कलिक साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज द काठमांडू कलिक लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड? इसका सही आंसर है दोस्तों ललितपुर। नेपाल के ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिक साहित्य महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। काठमांडू कलिक साहित्य महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में राजघाट के पास महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पद किसने संभाला है? हु हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज सर्विसेज डिवीजन? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। वसुंधरा गुप्ता पहले आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी। प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? प्रवीणा अंजना हैज वॉन द मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल, सी बिलोंग्स टू विच स्टेट? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली 23 साल की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023? इसका आंसर है दोस्तों सत्यजीत मजूमदार। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग को किसने जीता है? हु हैज वॉन द वुमेन्स रैपिड कैटेगरी ऑफ टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट? इसका आंसर है दोस्तों दिव्या देशमुख। महाराष्ट्र की नागपुर की 17 वर्षीय शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स मून मिशन स्लिम? इसका आंसर है दोस्तों जापान। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातो किलमेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
सातो किलमैन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर है दोस्तों वनुआतू। वनुआतू की संसद ने सातो किलमैन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। इससे पहले किलमैन उप प्रधानमंत्री थे। भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ शुरू होगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस स्टार्ट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लेह। देश में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू होगी। लद्दाख के बेहतर ठंडे तापमान में चलने वाली इन बसों को खास डिजाइन किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां शुरू होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों जकार्ता। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर तक जकार्ता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाव मित्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर हैज नाव मित्र बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। नाव मित्र मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण है। इसे इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता हुआ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑफ विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट? इसका सही आंसर है इसराइल। बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन बलारमती का निधन हो गया, वह कौन थी? एन बलारमती हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? इसका सही आंसर दोस्तों वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 में अहम भूमिका निभाने वाली इसरो की वैज्ञानिक एन बलारमती का निधन हो गया है। एन बलारमती ने इसरो में कई मिशन में काउंटर डाउन के समय अपनी आवाज दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराज इंस्टॉल्ड? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा को भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 20 टन है, जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। मालवीय मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? मालवीय मिशन हैज बीन लॉन्च बाय होम? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। मालवीय मिशन UGC के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। दूरसंचार विभाग, जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, के सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन? इसका सही आंसर है दोस्तों नीरज मित्तल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग DOT के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT और यूनेस्को के सहयोग से तैयार की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक बुक लॉन्च की। इसका उद्देश्य पूरे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ाना है। पुरुष हॉकी 5S एशियन कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेन्स हॉकी 5S एशियन कप 2023 टाइटल? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ओमान के सरलाह में पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने विस्तारा एयरलाइन का विलय किस एविएशन कंपनी में करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है एयर इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने विस्तारा एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर सैन्य अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान विल बी कंडक्टेड बाय हुम? इसका आंसर है दोस्तों भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटे भारत के उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नाम से एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण युद्धाभ्यास कर रही है। यह अभ्यास 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।
अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च बाय हुम? इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 4 सितंबर को अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्मारकों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट हितधारकों को आमंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक फुलर के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय सात्विक फुलर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? इसका आंसर है दोस्तों रविंद्र जडेजा। भारत के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सात्विक फुलर ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करते हुए जागरूकता को बढ़ाना है। भारत में किस वर्ष तक भूजल 3 गुना तक कम हो सकता है? Why which year can groundwater in India be reduced by 3 times? इसका आंसर है दोस्तों 2080। मिशिगन विश्वविद्यालय यूएसए के अध्ययन में पता चला है कि यदि भारतीय किसान वर्तमान दर से भूजल खींचते रहे तो 2080 तक भूजल की कमी की दर 3 गुना हो सकती है। इससे देश की खाद और जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर का उद्घाटन सोलर सिटी के रूप में किया है? विच सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड एज सोलर सिटी बाय सीएम शिवराज सिंह चौहान? इसका आंसर है दोस्तों सांची। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। किस राज्य के रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका सही आंसर है दोस्तों G20 इंडिया ऐप। ऐप G20 भारत की अध्यक्षता के बारे में पूरी जानकारी है। यह हिंदी, जर्मन, जापानी और पुर्तगाली के अलावा संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाओं सहित 10 भाषाओं में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? इसका आंसर है दोस्तों V.L. कांता राव। V.L. कांता राव ने खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह दूरसंचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? हु हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द ब्रिक्स इनोवेशन फोरम? इसका आंसर है दोस्तों शांता थोटम। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोटम को 27 से 29 अगस्त तक मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूर्य नारायण पात्रा का निधन हो गया है, अभी हाल ही में वह कौन थे? सूर्य नारायण पात्रा हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? इसका आंसर दोस्तों राजनेता। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रा का भुवनेश्वर में निधन हो गया है। पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप? इसका आंसर है दोस्तों पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक जीएसटी चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम के लिए सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमित एस तेलंग किस देश में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? अमित एस तेलंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? इसका आंसर दोस्तों गुआना। अमित एस तेलंग गुआना देश में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। किस बैंक के अध्यक्ष कर्णम शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विच बैंक चेयरमैन कर्णम शेखर हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? इसका आंसर है दोस्तों बैड बैंक। बैड बैंक के अध्यक्ष कर्णम शेखर ने संस्था की संरचना और संचालन पर असहमति के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आंसर है दोस्तों जकार्ता।
पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2023 कब मनाया गया? When is International Day of Charity 2023 celebrated? इसका आंसर है दोस्तों 5 सितंबर। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस टीम एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है, वह वर्तमान में किस पद पर थे? अरुण कुमार सिन्हा हैज पास्ड अवे, ही वॉज करेंटली होल्डिंग विच पोस्ट? इसका आंसर है दोस्तों एसपीजी महानिदेशक। अरुण कुमार सिन्हा का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? इसका सही आंसर है ब्राजील। G20 समिट के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी है। ब्राजील 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won the women's single title at the US Open? इसका आंसर है दोस्तों कोको ग्राफ। अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी कोको ग्राफ ने बेलारूस की एरिना सवालेका को हराकर US ओपन का खिताब जीत लिया है। किस देश में भूकंप के कारण 2000 से अधिक मौतें हो गई है? इसका आंसर है दोस्तों मोरक्को। मोरक्को में आए भूकंप में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। मोरक्को जियोलॉजिस्ट सेंटर के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक भूकंप की वजह से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस समूह के नेताओं को आमंत्रित किया है? Which group of leader has been invited by India for Republic Day 2024? इसका आंसर है दोस्तों क्वाड। भारत 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में क्वाड समूह के नेताओं को आमंत्रित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और जापान का एक समूह है क्वाड, और इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला एवं समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। यह 2017 में अस्तित्व में आया। पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस कब मनाया जाएगा? When will Bengal Day be celebrated in West Bengal? इसका आंसर दोस्तों 15 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 15 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान किसका है? इसका सही आंसर है इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर का है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। भारत का पहला 500 किलोवाट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक। बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। 11 सितंबर को किस राज्य में महाकवि दिवस मनाया जाता है? इन विच स्टेट महाकवि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th सितंबर? इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन वीक वन लैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च वन वीक वन लैब प्रोग्राम? इसका आंसर है दोस्तों CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
CSIR का वन वीक वन लैब कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान देश भर में फैली 37 CSIR प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक अपने अनुसंधान परिणामों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी। आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक किसकी है? इसका आंसर है दोस्तों भावना रॉय। आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक भावना रॉय की है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2023? इसका आंसर है दोस्तों नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज बीन लॉन्च बाय हुम? इसका आंसर है दोस्तों भारत। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। भारत, अमेरिका और ब्राजील वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। बीआरओ द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख। सीमा सड़क संगठन बीआरओ लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंची लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। इंडियन ग्रैंड पिक्स 5 एथलेटिक्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द इंडियन ग्रैंड पिक्स 5 एथलेटिक्स 2023? इसका सही आंसर है दोस्तों किशोर जैना। किशोर जैना ने 82.53 मीटर के थ्रो के साथ इंडियन ग्रैंड पिक्स 5 जीता है। विकास यादव 72.88 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर और हरीश कुमार 71.78 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई है? Which state has approved mob lynching victim compensation scheme 2023? इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का फैसला किया है। यह योजना मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करेगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत में कहां से शुरू होगा? वेयर विल द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बिगन इन इंडिया? इसका आंसर है दोस्तों मुंबई। G20 समिट 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस हैज बीन रिटन बाय हुम? इसका आंसर दोस्तों राधिका अयंगर। राधिका अयंगर फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है जिसे हाइपर कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक भारत में बनारस शहर पर प्रकाश डालती है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? द 19th मीटिंग ऑफ चीफ ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? इसका आंसर है दोस्तों तुर्की। भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 5 से लेकर के 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 19वीं बैठक में भाग लिया है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द ईयर 2022? इसका आंसर है दोस्तों 12। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है। बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? बंगस वैली फेस्टिवल हैज बिगन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरमय कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया है।
इसका उद्देश्य बंगाल घाटी के भीतर पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना है। किस राज्य में कलेगनार मांगली उरीमई थोकई चिट्टम योजना की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एस के स्टालिन ने आधिकारिक तौर पर कलेगनार मांगली उरीमई थोकई चिट्टम योजना की घोषणा की है। संदीप बक्सी फिर से किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? संदीप बक्सी हैज बीन री इलेक्टेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? इसका आंसर है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में संदीप बक्सी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। संदीप बक्सी का कार्यकाल 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक का होगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट विच हैज रिसीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। भारत ब्रिटेन 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? वेयर वॉज द इंडिया यूके 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड? इसका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को मजबूत बनाने के लिए 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the SAF Under 16 Championship 2023 title? इसका आंसर है दोस्तों भारत। भारत ने भूटान में आयोजित फाइनल मैच में बांग्लादेश पर 2-0 से जीत के साथ SAF Under 16 Championship 2023 जीती है। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? डेनिस ऑस्टिन हैज पास्ड अवे, ही वाज द को क्रिएटर ऑफ विच सॉफ्टवेयर? इसका आंसर है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह एमएस पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आफ्टर हू विल द व्हीलर सीनेट हाउस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी बी नेम्ड? इसका आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। पटना विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित 97 ईयर पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। एडीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के सांसदों पर आपराधिक मामले हैं? अकॉर्डिंग टू एडीआई रिपोर्ट विच स्टेट एमपीज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। एडीआई की रिपोर्ट के अनुसार संसद के 763 सदस्यों में से 306 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अहमदाबाद में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? Which player won the men single title at Indonesia Master 2023? इसका आंसर है दोस्तों किरण जॉर्ज। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the vice chairman of नेस्कॉम? इसका सही आंसर है सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन को द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। किस देश में तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या लगभग 5000 तक पहुंच गई है? इसका आंसर है दोस्तों लीबिया। लीबिया के पूर्वी हिस्सों में आई भीषण बाढ़ में कम से कम 5300 लोग मारे गए और 10000 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में विद्या समीक्षा
परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जहां विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारतीय वायुसेना को एयरबस के द्वारा कौन सा विमान सौंपा गया है? विच एयरक्राफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स बाय एयरबस? इसका आंसर है दोस्तों C-295। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने भारत को पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन सौंप दिया है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने स्पेस के सेविले शहर में इस प्लेन को रिसीव किया। केरल राज्य में किस वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? रिगार्डिंग विच वायरस अलर्ट हैज बीन इशूड इन 4 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ केरला? इसका सही आंसर है दोस्तों निपाह वायरस। केरल राज्य में निपाह वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पांचवी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप को किसने जीता है? Who has won the 5th National Wheelchair Rugby Championship? इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पांचवी राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर शानदार जीत हासिल करके चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया अमंग द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट? इसका आंसर है दोस्तों 30। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत की वैश्विक रैंकिंग में 2023 में सकारात्मक बदलाव आया है। 87 देशों की लिस्ट में भारत 30वें स्थान पर पहुंच गया। 2022 की रैंकिंग में भारत 30वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्रवीणा के प्रतिपादक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? Who was the exponent of रुद्रवीणा who passed away recently? इसका सही आंसर है दोस्तों अली जकी हैदर। प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? गोपाल बागले हैज बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? इसका आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्रालय ने गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्ति किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भव अभियान भारत सरकार की किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? When is National Hindi Day celebrated? इसका आंसर है दोस्तों 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है। ई विधान एप्लीकेशन के लोकार्पण के बाद सदन की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के बीना में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश में एक आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। इस परियोजना के तहत बिना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाकर 11 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए भारतीय विरासत के कितने लेखकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? हाउ मेनी राइटर्स ऑफ इंडियन हेरिटेज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड? इसका आंसर है दोस्तों 2।
वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए दुनिया भर के 6 लेखकों में से भारतीय विरासत के 2 लेखकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमोना हालेप किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिमोना हालेप इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री हु हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर। इसका आंसर है दोस्तों रोमानिया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के लिए पेशेवर टेनिस से 4 साल के लिए निलंबित किया गया है। सिमोना हालेप पर डोपिंग के 2 उल्लंघन के आरोप लगे हैं। उनका 4 साल का प्रतिबंध अक्टूबर 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मदन लाल रेंगर किस राज्य में भारत के राजदूत बने हैं। मदन लाल रेंगर हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच स्टेट। इसका आंसर है दोस्तों कांगो गणराज्य। विदेश मंत्रालय ने मदन लाल रेंगर को कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2023 बास्केटबॉल किसने जीता है। Who has won the FIFA World Cup 2023 basketball? इसका आंसर है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हराकर बास्केटबॉल का 2023 फीफा विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग 14 से 15 सितंबर तक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बांध सुरक्षा बढ़ाने की क्षमताओं को मजबूत करने की चर्चा की जाएगी और इसका विषय रहेगा दोस्तों सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इसका आंसर है दोस्तों पटना। पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरों के लिए भुगतान किया जाएगा। इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है क्योंकि इसे महिला श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। इस सुविधा में प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। पंजाब के फिरोजपुर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर से योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए जा रहे स्मारक की आधारशिला रखी है।